ओम नमः शिवाय आज मैं फिल्म अभिनेत्री रश्मिका मंडाना जी की कुंडली लेके आया हूँ ये फिल्म अभिनेत्री हैं और इन्होंने हाल ही में जो पिक्चर इनकी रिलीज हुई है वो है पुष्पा इन्होंने अच्छा काम किया उसमें इनका जन्म पाँच अप्रैल उन्नीस में हुआ इनकी जो जन्म कुंडली बन रही है वो मिथुन लगन की जन्म कुंडली बन रही है मिथुन राशि के स्वामी बुद्ध लाभ भाव में बैठे हैं वर्गोत्तम हैं और वर्गोत्तम ग्रह जो होते हैं उच्च के ग्रह से भी अच्छा फल देते हैं तो बुद्ध लाभ भाव में है और जो कि इच्छा पूर्ति का है से इनसे व्यक्तित्व बन रहा है साथ साथ देखिए यहाँ पे शुक्र जो बैठे हुए हैं शुक्र स्वक्षेत्री वृषभ राशि पे विदेश भाव या वैभाव में बैठे हैं तो इनको जन्म स्थान से दूर स्थान में इनका जो है अच्छा काम होगा और शुक्र के क्षेत्र में बहुत बढ़िया ये तरक्की करेंगे साथ साथ देखिए इनकी जो राशि है वो तुला राशि है चंद्रमा जो है तुला राशि में बैठे हैं तो इनकी राशि तुला हो जाती है और गुरु देखिए गुरु व्यवसाय भाव में अपने घर में बैठे हैं तो यहाँ पे गुरु जब इन अपने घर में बैठे हैं तो उसे अच्छा करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और कर्म भाव में चार ग्रह बैठे हैं सूर्य मंगल शनि और केतु गुरु के घर में और गुरु बैठे हैं व्यवसाय के घर में तो ये तो इनके जो है ग्रहों की पोजीशन है और राहु देखिए इनके चतुर्थ भाव में सुख सुविधा के स्थान में बैठे हुए तो यहां पे इनका कर्म स्ट्रांग हो रहा है व्यवसाय स्ट्रांग हो रहा है सुख सुविधा और जो है चंद्रमा ज्ञान अच्छा हो रहा है बुद्ध लाभ अच्छा हो रहा है शुक्र जो है विदेश व्य से संबंध अच्छा कर रहे हैं तो इसमें जो है इन्होंने साइकोलॉजी से जो है इन्होंने जो है ग्रेजुएसन किया एम किया तो यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी का जो इन्होंने पढ़ाई की उसके लिए देखिए विद्या भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और लाभ भाव में बुद्ध बैठे हुए हैं चंद्रमा जो है तुला राशि में है तो ये बैलेंस का काम करते हैं जो कि मन का कारक है और मन को बैलेंस करना और उसमें बुद्धि का बुद्ध की दृष्टि पड़ना मतलब बुद्धि यानी बुद्धि का ज्ञान होना तो यहाँ पे मन और बुद्धि दोनों का जो है ज्ञान भाव से संपर्क होने के कारण इन्होंने साइकोलॉजी से जो है एम किया पढ़ाई इनकी अच्छी थी और ये पढ़ाई में भी अच्छी है और कर्मेज जो है इनके गुरु है व्यवसाय भाव में तो गुरु के कारण भी ये जो है एक्टिंग में और इनका जो है बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु जो है ज्ञान करके जो है देते हैं किसी भी चीज़ की ज्ञान मतलब परख से वो एक्टिंग कर पाते हैं तो ये थे इनके ग्रहों की पोजीशन थी हमें हर भाव में इनके ग्रहों में क्या क्या असर पड़ रहा है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो देखिए लगन में जो है बुद्ध जो है लाभ भाव में बैठे हुए है। हैं गुरु की दृष्टि पड़ रही है मंगल की दृष्टि पड़ रही है गुरु और मंगल की दृष्टि के कारण गुरु जहाँ दृष्टि डालते तो हैं उससे अच्छा करते हैं तो गुरु की दृष्टि के कारण इनका व्यक्तित्व तो अच्छा बन रहा है और मंगल की दृष्टि पड़ी रही बुद्ध के घर में धन भाव की बात करते हैं धन भाव जो है कर्क राशि है कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा इनके जो है ज्ञान भाव में बैठे हैं तो ज्ञान से इनको जो है धन की प्राप्ति हो रही है और साथ साथ केतु की, की दृष्टि पड़ रही है और केतु की जो दृष्टि पड़ रही है वो कर्क राशि में अच्छा प्रभाव करेगी तो अच्छा करेगा फिर उसके बाद पराक्रम की बात करते हैं पराक्रम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य देखिए यहां पे जो है कर्म भाव बैठे हैं तो कर्म से इनका जो है पराक्रम भी अच्छा हो रहा है और साथ साथ गुरु की दृष्टि पड़ रही है नौमी गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो गुरु भी क्या है इनको जो है पराक्रम के लिए क्या अच्छा कर रहे हैं गुरु अच्छा पराक्रम दे रहे हैं चतुर्थ भाव की बात करते हैं जो कि सुख सुविधा का है तो सूर्य मंगल शनि केतु की दृष्टि पड़ रही है बुद्ध के घर में और राहु बैठे हुए हैं तो यहाँ पांच ग्रहों का प्रभाव हो रहा है तो सुख सुविधा भूमि वाहन मकान का ये भाव स्ट्रांग हो रहा है अब हम विद्या भाव की बात करें तो विद्या भाव में जैसा कि बताया कि इसमें देखिए तुला राशि तुला राशि के स्वामी शुक्र स्वक्षेत्री जो है, विदेश बैठे, हुए हैं और बुद्ध की रही है बैठे हुए हैं और मंगल की, तो की भी दृष्टि पड़ रही है और जो है बुद्धि भी इनका जो है साइकिलो क्षेत्र में काफी अच्छा है आप छठम भाव की बात करते हैं छठम भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का है यहाँ वृश्चिक राशि मंगल बैठे हुए हैं और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है देखिए तो ये कर्म से इनके जो है रोग ऋण शत्रु भी बनेंगे कारण और यहाँ पे शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो शुक्र जो है इनके मंगल के क्षेत्र में जो है शुक्र की दृष्टि का भी प्रभाव रहेगा साथ साथ यहाँ केतु की भी दृष्टि पड़ रही है मंगल घर में अच्छा करेगी व्यवसाय भाव की बात करते हैं व्यवसाय भाव में देखिए गुरु बैठे हैं गुरु अपने ही घर में बैठे हैं अच्छा है। तो व्यवसाय अच्छा रहेगा तो और साथ साथ शनि की भी दृष्टि पड़ जा रही है तो शनि की दृष्टि जो व्यवसाय में कुछ दिक्कतें लाएगी तो यहाँ पे जो है गुरु बहुत अच्छा कर रहे हैं अष्टम भाव की बात करते हैं अष्टम भाव के स्वामी जो है मकर राशि है मकर राशि के स्वामी शनि जो है इनके कर्म भाव में बैठे हुए हैं तो कर्म से इनके जो शोध एनालिसिस भी अच्छा रहेगा फील्ड में और राहु की दृष्टि शनि घर में अच्छा प्रभाव करेगी भाग्य भाव की भी बात करें तो भाग्य भाव के भी स्वामी शनि है जो कि कर्म भाव में बैठे हुए हैं तो कर्म से इनका भाग्य भी साथ देगा अब हम बात करते हैं कर्म भाव की कर्म भाव के स्वामी गुरु हैं जो कि व्यवसाय भाव में स्व बैठे हैं तो व्यवसाय से इनका कर्म अच्छा रहेगा सूर्य मंगल शनि केतु बैठे हुए हैं जो कि सूर्य मंगल केतु जो है कर्म भाव में अच्छा रोल करेंगे और यहाँ पर देखिए राहु की दृष्टि पड़ रही तो ये कर्म भाव भी अच्छा लाभ भाव की बात करते हैं बुद्ध बैठे हुए हैं मेष राशि मेष राशि के स्वामी मंगल कर्म से इनको लाभ की प्राप्ति हो रही है बुद्ध बैठे हुए चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है लाभ के लिए भी अच्छा है और गुरु की दृष्टि पड़ रही तो गुरु भी इनको लाभ के लिए अच्छा है और विदेश भाव वय भाव की बात करें शुक्र तो अपने घर में बैठे हुए हैं तो वो अच्छा करेंगे साथ साथ राहू की दृष्टि पड़े शुक्र राहू की युति काफ़ी लाभ कराई मतलब काफ़ी अच्छा कराई और विदेश भाव अच्छा रहेगा और शनि की दृष्टि पड़ रही है सूर्य ग्रह में वो भी अच्छा करेगी तो ये तो थे इनके जो है बारह भाव में जो है ग्रहों के प्रभाव और ग्रहों की दृष्टियाँ क्या क्या पड़ेंगी तो ये थी रश्मि मंडाना जी की कुंडली दोस्तों यदि आप अपनी भी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस सेंड करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुँच सके धन्यवाद